Assalamualaikum दोस्तों ये हमारा MS Office 2013 का लेसन नंबर 1 है। इसमें मैं आपको MS Office को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो मेरे पास ये zip फाइल है इसकी, तो मैं इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो जाती है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर हमारे पास MS Office का एक zip फाइल है। इसके बाद इसको एक्टिवेट करने के लिए KM स्पीकू है और उसके बाद ये इसके लिए नेट फ्रेम है। मैं सबसे पहले ऑफिस को इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद यस, और इधर ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई, इंस्टॉल नाउ। अब ये इंस्टॉलेशन जो प्रोग्रेस है वो स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारे पास ये फाइनलाइजिंग इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स के बाद ये फाइनलाइजिंग होगी। और इंस्टॉलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ जैसे ही वो आएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है कंप्लीट योर ऑफिस एक्सपीरियंस, स्टोर एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, गेट फ्री प्रोडक्ट्स। ये हमारे किसी चीज़ की नहीं है। वो कहता है थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2013 टू बिगन ओपन स्टार्ट एंड गो टू योर ऑफिस प्रोग्राम्स। मैं इधर से इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है इसके लिए नेट फ्रेम को इंस्टॉल करना। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसे इंस्टॉल करता हूँ इस तरह। यस, एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स। अच्छा, वो कह रहा है कि योर इंस्टॉलेशन विल नॉट अक्योर, सी बिलो फॉर रीजंस व्हाई। डिटेल में है, नंबर वन पे माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क 4। ये माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क 4 ये तो है इसका नाम। ठीक है, आगे कह रहा है इज ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कह रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे इस सिस्टम में ना, कंप्यूटर में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये मैंने तो इंस्टॉल किया नहीं था। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं ना विंडोज़ के, जैसे विंडोज़ 10 हो गई, 8.1 हो गया। ठीक है, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो नेट फ्रेम्स होते हैं वो ऑलरेडी विंडोज़ के साथ ही कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नेट फ्रेम है वो हम विंडोज़ 7 या 6 में मतलब इंस्टॉल करके उसके बाद जो है वो एक्टिवेटर को इंस्टॉल करेंगे और हमारे पास जो ऑफिस 2013 है वो एक्टिवेट हो जाएगा और सही तरह से वर्किंग करेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कह रहा है कि वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और इधर से बैक जाता हूँ। बैक में हमारे पास रह गया एक्टिवेटर। ठीक है, ये भी हमारा हो गया, MS Office 2013 इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद नेट फ्रेम ऑलरेडी इंस्टॉल था इसमें, और उसके बाद हमारे पास आता है KM स्पीको। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसे इंस्टॉल करूँगा, इससे यस करूँगा
और इस तरह ये जो ऑफिस है वो हमारी विंडोज़ 8 को ऑफिस 2013 को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, विंडोज़ 8, 8.1 और इसी तरह ऑफिस 2013 और ऑफिस 2010 इनको एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो मैं इधर से नेक्स्ट करता हूँ। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। नेक्स्ट, सी में इंस्टॉल होने जा रहा है प्रोग्राम फाइल्स में के एम स्पीकू के नाम से। ठीक है, अगर आप इसकी फाइल एक्सटेंशन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं इसकी इंस्टॉलेशन पाथ को, तो आप इधर से ब्राउज में जाकर इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, फिर इसका नाम जो है वो के एम स्पीकू है, वो इंस्टॉल होने जा रहा है। नेक्स्ट, इस तरह ही हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिनिशिंग इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन हो चुकी है, फिनिशिंग हो रही है अब ये। इस तरह ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ज़रा चेक करा दूं कि हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत अभी भी है या नहीं। ये मेरे पास वर्ड 2013 का रिसेंटली एडिड ऐड हो चुका है। मैं इसके इधर से ओपन कर लेता हूँ, फिर से इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। तो इधर हमारे पास कोई जो है वो रजिस्ट्रेशन की ऑफिस डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर नहीं हुआ है कि इसको रजिस्टर करें या इसमें जो भी है इसको कीज़ वगैरह लगाएं, इसमें कोई ऐसी बात इसने नहीं की। तो इस तरह हमारे पास ये ऑफिस जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, और इसको के एम स्पीकू की मदद से हम इसको एक्टिवेट भी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करवाऊंगा, इसका जो भी बेसिक है वो मैं आपको बताऊंगा, इसमें बेसिक चीज़ें जो जो भी हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो जो है वो मेरी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।